नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टॉक मार्केट लर्नर में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से एक वीडियो में एक स्टडी शेयर करने के लिए हम आए हैं आपके साथ, और यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है पहले भी हमारी स्टडीज का, जो मार्केट ने दिया रिस्पांस। जैसे कि हमने धानी सर्विसेज की स्टडी को आपके साथ शेयर किया था, सन फार्मा के टारगेट्स कुछ सुझाए थे हमने, वो भी बहुत अच्छे रहे, और बिरला कॉर्प, बंधन बैंक, इस तरीके की हम कुछ कुछ स्टॉक्स में अपनी स्टडी और कुछ प्राइजेस, उनके शेयर प्राइजेस लेके आप लोगों के साथ आए थे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पूरा एक कंपनी के ऊपर विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, और जानेंगे कि कंपनी में कितना पोटेंशियल है, कंपनी आगे इन फ्यूचर कितना अच्छा कर सकती है, और कंपनी आज क्या किस पोजीशन पे स्टैंड कर रही है, और कंपनी ने अपनी जर्नी जहां से कंपनी बनी वहां से अब तक उसने किस तरीके से अपने बिजनेस को और अपने आप को एस्टेब्लिश किया है, और किस तरीके से वो आने वाले टाइम में और ग्रो कर सकती है, ये पूरा हम जानेंगे इस वीडियो में। और साथ में ये भी जानेंगे कि इस कंपनी का शेयर प्राइस अब क्या है और आगे क्या हो सकता है, क्या इसमें अभी से निवेश करना अच्छा रहेगा या अभी कुछ इंतजार करें कि लोग सोचें कि मार्केट गिरेगा तो हम निवेश करेंगे। तो निवेश के लिए मार्केट दोस्तों कल भी अच्छा था, आज भी अच्छा है और आगे भी अच्छा रहेगा, निवेश से इसका कोई लेना देना नहीं है, बशर्ते कंपनी का एनालिसिस अच्छा हो, बस उसी का प्रयास हम इस वीडियो में कर रहे हैं। तो दोस्तों, कंपनी मैं बता दूं आपको, कंपनी 1982 में फाउंडेड हुई। कंपनी 1982 में फाउंडेड होने के बाद से कंपनी लगातार बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, और कंपनी लेमिनेटेड फ्लेमिंग एंड पैकिंग प्रोडक्ट्स में बहुत अच्छा डील करती है। तो मैं उसी कंपनी के ऊपर आज पूरा डिटेल में यहाँ पे चर्चा करने जा रहा हूँ दोस्तों, और आपको जानकर एक और अच्छी खुशी ये होगी, अच्छी बात ये लगेगी आपको कि यहाँ पे कंपनी के हम डायरेक्ट कस्टमर नहीं हैं, बट जिन किसी भी कंपनीज में हम अपने प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं या करना चाहते हैं, उन सभी कंपनी को ये सप्लाई करती है और अपनी सर्विसेज देती है, वो सभी कंपनियां इसकी कस्टमर हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, कॉलगेट, एमवे, हिमालया, पतंजलि, सिप्ला, डॉक्टर रेडी, ये इस तरीके की तमाम कंपनीज इसकी कस्टमर हैं। इमामी एंड क्या बोलते हैं आपका सनफार्मा, और भी बहुत कंपनी है दोस्तों जिनको ये डायरेक्ट डील करती है। और कंपनी जब 1982 में जब ये फाउंडेड हुई, तो कंपनी दोस्तों मैं बता दूं कि कंपनी का नाम मैं डिस्क्लोज करने जा रहा हूं वीडियो में, कंपनी का नाम है एसएल प्रोपैक। ये जो कंपनी है दोस्तों, एसएल प्रोपैक बहुत ही अच्छी ट्रैक के साथ में काम कर रही है। पहले ये सुभाष चंद्रा, इसके जो आपने नाम सुना होगा, सुभाष चंद्रा बहुत अच्छी बिजनेस एंटरप्रेन्योर पर्सनैलिटी हैं, जो कि जी इंटरटेनमेंट, जी बिजनेस, जी उनके जी ग्रुप हैं, और बहुत अच्छा बिजनेस वो करते हैं। तो पहले ये उसी के अंडर में थी, बट अभी हाल फिलहाल में 2019 में कंपनी को ब्लैकस्टोन नाम की एक अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी ने एक्वायर किया है दोस्तों, और 2019 से उन्होंने अपनी इसमें होल्डिंग बनाई है। तो दोस्तों, अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करते हैं, कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न जानते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि प्रमोटर्स के पास में दोस्तों 75% की होल्डिंग है, एंड अदर इंस्टीट्यूशंस के पास में 18% की होल्डिंग है, एंड FII DIB इसके अंदर अपनी होल्डिंग रखते हैं, FII के पास में 5% एंड DII के पास में 2% की होल्डिंग है दोस्तों। तो यहां पे शेयर होल्डिंग पैटर्न ये है, और साथ में कंपनी के अब बात करते हैं कि कंपनी के कुछ माइलस्टोन जान लेते हैं दोस्तों, कि कंपनी ने किस तरीके से अपनी जर्नी को यहां तक किया है और आगे क्या इसके अच्छे नतीजे हो सकते हैं वो जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, 1982 में जब ये फाउंडेड हुई, उसके बाद से 1984 में फर्स्ट टाइम इसने अपना मैन्युफैक्चरिंग में काम स्टार्ट किया, और इसने मैन्युफैक्चरिंग करी लेमिनेटेड
प्लास्टिक ट्यूब्स कैटरिंग में, लेमिनेटेड प्लास्टिक ट्यूब कैटरिंग्स एमए इसने जब ट्रेडिंग स्टार्ट किया, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया, तो एफएमसीजी एंड फार्मा स्पेस में इसने अपनी पकड़ बनाई दोस्तों। और 1984 के बाद से इसे फर्स्ट टाइम बहुत सुनहरा अवसर मिला 1993 में। 1993 में इसे सुनहरा अवसर क्या मिला दोस्तों, कि इसने इजिप्ट में अपना एक प्लांट एस्टेब्लिश किया। 1993 के बाद से इसने 1997 में इसने चाइना में, और 1999 में इसने जर्मनी में जॉइंट वेंचर किया दोस्तों कंपनी ने। और इन 2000 कंपनी का ये सबसे बड़ा माइलस्टोन रहा कि कंपनी ने 2000 में प्रोपेक ग्रुप को एक्वायर किया, तो कंपनी पूरी कंप्लीट बनी दोस्तों एसएल प्रोपेक, अदरवाइज ये एसएल के नाम से जानी जाती थी। अब इन 2000 कंपनी एसएल प्रोपेक हो गई, एंड 2000 के बाद से भी कंपनी की बहुत अच्छी जर्नी रही है दोस्तों। सो इतने अच्छे अच्छे और इतने बड़े इसके कीर्तिमान हैं, इतने अच्छे माइलस्टोन हैं कि हम जितना पढ़ें वही कम है, जितना एनालिसिस करें वही कम है। बट फिर भी अब जल्दी में इसने क्या किया दोस्तों, 2016 में कंपनी ने 25th मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाइना में लगाया है, और 2018 में अभी इंडिया में असम में इसने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई है, जिसके अंदर बहुत सही तरीके से ये काम कर रहे हैं, और उम्मीद है कंपनी को कि बहुत अच्छा प्रोडक्शन इसके अंदर स्टार्ट रहेगा और आगे बहुत अच्छा प्रोडक्शन इसमें रहेगा। और कंपनी ने अभी और भी प्लानिंग्स की हुई हैं, एक्सपेंशन प्लान किए हुए हैं, तो इसके हिसाब से कंपनी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। तो कंपनी के कस्टमर्स क्या हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में बताए, कंपनी के माइलस्टोन क्या रहे वो वीडियो में बताए, कंपनी ब्लैकस्टोन ने एक्वायर करी 2019 में वो हमने इसमें चर्चा में किया, कंपनी एसएल से एसएल प्रोपेक हुई 2000 में जब उसने प्रोपेक को एक्वायर किया, और कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को बताया, और कंपनी का रेवेन्यू स्ट्रीम भी बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा है दोस्तों। कंपनी का रेवेन्यू स्ट्रीम आप देखेंगे कि ओरल केयर से कंपनी 55% अर्निंग करती है, और फार्मा से 32% अर्निंग करती है, और बाकी का वो होम फूड एंड प्लास्टिक बिजनेस से अपनी अर्निंग करती है दोस्तों। तो कंपनी के पास में बहुत अच्छा स्कोप है आगे भी। आजकल ये शेयर 260 से 265 के बीच में ट्रेड कर रहा है, इसकी शेयर प्राइस आप मान सकते हैं 260 से 265, बट हम इसे जहां तक देख पा रहे हैं 400 से कम इसकी वैल्यूएशन को बिल्कुल मत आंकिएगा दोस्तों इन 2020। अब 2020 खत्म होने को है, 2021 में कंपनी कम से कम 400 रुपए की वैल्यूएशन रखती है, और अगर हमने इसको अपने पोर्टफोलियो बास्केट में 2 से 4 साल का समय दे दिया दोस्तों, तो आप यहां से लेके बहुत खुश हो जाएंगे, यानी कि कम से कम दुगना तिगना रिटर्न कंपनी देने की पूरी पूरी क्षमता रखती है। मैं समझता हूं यहां पे इस एनालिसिस के थ्रू आप ये जान पाए होंगे कि कंपनी का ट्रैक क्या है और किस तरीके से ये काम कर रही है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कंपनी ने हाल ही में अपने मैनेजमेंट में भी थोड़ा सा फेरबदल किया है, और उसमें एक बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट की पर्सन को लेके आए हैं। इन 2020 अप्रैल 2020 में इन्होंने सुधांशु वत्स को सीईओ एंड एमडी अपॉइंट किया है। कंपनी के नए सीईओ एंड एमडी सुधांशु वत्स हैं। सुधांशु वत्स दोस्तों 28 साल से ज्यादा का अनुभव एफएमसीजी एंड मीडिया सेक्टर में रखते हैं, और मैं आपको बता दूं कंपनी वीडियो स्ट्रीमिंग के बिजनेस में भी अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहती है। वीडियो स्ट्रीमिंग जानते हैं दोस्तों, आप देखते होंगे जब कई बार वर्ल्ड कप चलता है या क्रिकेट मैच होते हैं या शेयर मार्केट की भी रोजाना एक वीडियो स्ट्रीमिंग चलती है, जहां पे शेयर इस तरीके से रोटेट करते रहते हैं, तो वो सारा वीडियो स्ट्रीमिंग का काम भी एसएल प्रोपेक करना चाहती है। हालांकि पहले से इसमें इनका एक बेस फॉर्म्ड है, बट इसको अभी फ्रंट पे लेके ये आना चाहते हैं। तो सुधांशु वत्स उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे साबित होंगे। इनका अपना एजुकेशन बेस बहुत अच्छा है, मैकेनिकल इंजीनियर में, एनआईटी से इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, ग्रेजुएशन किया मैकेनिकल इंजीनियर में, और पोस्ट ग्रेजुएशन इनका एमबीए है दोस्तों, एमबीए फ्रॉम आईआईएम अहमदाबाद। तो मैं समझता हूं यहां पे सुधांशु वत्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, और यहां पे आपको पूरा एनालिसिस हमारा समझ में आया होगा। प्लीज वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि
चैनल सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। आपको कोई भी क्वेरी है इस कंपनी से रिलेटेड, या आपको कोई और कंपनी या कोई शेयर में कोई क्वेरी है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए या टेलीग्राम व्हाट्सएप पे जुड़िए, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी शेयर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे से हमें सपोर्ट कर रहे हैं और वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ।